करते हैं आज के इस मनोरंजन को, और इसलिए स्टेज पे मैं आज अपनी एक साथी को लेके आया हूं, साथी को बुलाने वाला हूं। अब वो कौन है? अच्छा, सब टीवी पर पापड़ पोल कितने लोग देखते हैं? काफी सारे। चलिए हाथ नीचे कर सकते हैं। तो पापड़ पोल से लेकर फास्ट एंड गॉर्जियस तक ऐसी कई सारी टेलीविजन सीरियल्स हैं, ऐसे रियलिटी शोज हैं जिसकी वो विनर बन चुकी है, जिससे वो अपना खुद का नाम रोशन कर चुके हैं, हमें एंटरटेन कर चुकी है, कई सारे टेलीविजन शोज होस्ट कर चुकी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, द ब्यूटिफुल एंड गॉर्जियस, मैं बुलाना चाहूंगा मेरे साथ मुंबई से ऑल द वे प्रीति खटपाल। वेलकम यार, मैं अकेला अकेला प्रीति तेरे बिना बोर हो गया था यार। थैंक यू सो मच राहिल। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा बोलिए तो कैसे हैं आप सब? नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम है प्रीति एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। मुंबई को कहा जाता है सपनों की नगरी, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, और बॉलीवुड की नगरी, सपनों की नगरी से आज मैं यहाँ आपके बीच आई हूँ। यहाँ हम एक साथ मिलकर मनाएंगे दमन उत्सव 2018। तो दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं? बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। चलिए एक बार फिर बोलिए, क्या आप सब तैयार हैं? क्या बात है। और आज की शाम तीन रूल्स हैं, जैसे आप स्कूल कॉलेज में जाते हैं रूल्स होते हैं, इस शाम के भी तीन रूल्स हैं। पहला रूल है तालियां जोर से बजनी चाहिए। जरा बताइए कैसे तालियां बजेंगी, ये हुई ना बात। रूल नंबर टू है शोर मचना चाहिए। कैन आई हियर यू शाउट, थोड़ा शोर मचा के बताइए। वाओ, व्हाट एनर्जी। एंड तीसरा रूल भाई मेरा तो फेवरेट है, सीटियां बजाने आते नहीं। Yes, इसी के साथ साथ शुरू करते हैं ये शाम। आज तीसरा दिन है दमन उत्सव का। तीन दिन से आप कई सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भाग ले रहे हैं, कई सारे बहुत बेहतरीन कलाकार आपके बीच आए हैं, और आज जानते हैं कौन आने वाले हैं? द वेरी वेरी पॉपुलर सिंगर जिन्होंने दुनिया भर में जाकर कई सारे स्टेजेस पर कई सारे ऑडियंसेस के लिए परफॉर्म किया है, टीवी पर उनका गाना बहुत फेमस है, और आज आपका दिल जीतने यहाँ वो आने वाले हैं। यस, पर थोड़ा इंतजार कीजिए, वो थोड़ी देर बाद आएंगे। एंड टिल देन शुरू करते हैं ये शाम विथ लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ मस्ती। तो राहिल, आप कहाँ चले गए? देखिए, ये बात मैं सिर्फ साबित करना चाहता था कि लड़की को बोलने का मौका दो तो कभी चुप नहीं होती, फिर वो स्टेज पे मेरी कोहोस्ट हो या आपके घर में आपकी बीवी। क्या बात है, बात तो सही कह रहे हो तुम। और आज हम इतनी बातें करेंगे पर रिस्पॉन्स में आपका शोर, तालियां और ढेर सारा प्यार मिलना चाहिए, हाँ या नहीं? ऐसा करते हैं कि जब प्रीति बोलेगी तो लड़के चीयर कर सकते हैं, और जब मैं बोलूं तब लड़कियां आवाज हो सकती है क्या? चलिए कंपटीशन हो जाए, गर्ल ज्यादा शोर मचा सकती है या बॉयज? चलिए राहुल, तुम्हारी बारी पहले। अच्छा यार, मैं इतने तीन दिनों से देख रहा हूँ दमन में इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं, इतनी लवली लड़कियां हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आवाज भी इतनी ज्यादा चीयर कर सकती है। तो दमन में यहाँ पर आज की इस शाम दमन उत्सव में, दमन लिबरेशन डे के सेलिब्रेशन में, जितनी भी लड़कियां यहां पहली रो से लेके पीछे जहां तक मेरी नजर भी नहीं जा सकती, एक बार जोरदार आवाज हो जाए। क्या बात है, लड़कियों ने तो धमाल कर दिया। नाउ बॉयज मेक सम नॉइज। चलिए तीन काउंट पे, 1 2 3 पर आप बॉयज सब जोर से शोर मचाएंगे। लड़कियों ने शोर मचाया, अब लड़कों की बारी है, ठीक है? एट द काउंट ऑफ 3 1 2 3। क्या बात है, आपके इस जोश ने तो उड़ा दिए मेरे होश, और इसी के साथ साथ शुरू करते हैं एक होश उड़ा देने वाली शाम। मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आयुष्मान हो। भाई आयुष्मान की बात आप कर ही रहे हैं, तो आज आयुष्मान नाम से आज यहाँ स्क्रीन पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट AV प्रेजेंटेशन हम दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आप सबके सामने आपकी नजदीकी स्क्रीन पर आ रहा है एक बहुत ही खास वीडियो, द बेनिफिट्स यूटिलाइज्ड बाय द लवली पीपल ऑफ दमन, आयुष्मान भारत। आइए इस AV को देखते हैं। एक बार तालियां हो जाए, थोड़ा शोर हो जाए AV के लिए। एवरीबॉडी कम ऑन, पहली AV इस शाम की।
ये बीमा योजना आयुष्मान भारत का लाभ दमन के लोगों को भी मिल रहा है। मैं रविंद्र सीताराम सकटे, मेरे को अटैक आ गया था तो बहुत सारे हॉस्पिटल में गए, एंजियोग्राफी किया तो एंजियोग्राफी करने डॉक्टर बोला 5 लाख रुपए खर्चा लगेगा, तो हम लोग 1 महीना 1.5 महीना इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ हमारे से। मेहनत मजदूरी करने वाले खाने वाले कहाँ से पैसा इतना लाएंगे, थोड़ा देर घूमने फिरने के बाद अपने दमन में योजना आ गया तो हम लोग जाके मरवाड़ हॉस्पिटल में सब स्टाफ लोगों से मिल के बात करके तो बोले ठीक है कार्ड बना देते हैं आप लोगों का आयुष्मान भारत का, प्रधानमंत्री की जो योजना निकली है उसके ऊपर। तो हम लोग 25 नवंबर को कार्ड बनाया और फिर 7 दिसंबर को तो हम लोग सूरत के लिए रवाना हो गए। सूरत हॉस्पिटल में, थ्री स्टार हॉस्पिटल में हमारा ऑपरेशन हो गया। वहाँ के डॉक्टर लोग हमारे से अच्छा बात किया, सब लोग बोले टेंशन लेने का नहीं, आपका कार्ड हो या ऑपरेशन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। 2 दिन एडमिट हुआ, तीसरे दिन ऑपरेशन कराया, 6 दिन हॉस्पिटल में रख के उसके बाद हमको वापस भेज दिया। अभी हम लोग अच्छा सा है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए सबका शुक्रगुजार करते हैं। प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं, नरेंद्र मोदी हमारे लिए अच्छा योजना निकाला है इसलिए उनका शुक्रिया करते हैं। दमन प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए यहाँ से वहाँ तक लेके जाने आने में साथ दिया है। मारवाड़ हॉस्पिटल भी जहाँ जरूरत पड़े वहाँ हमको एम्बुलेंस दिया है, एम्बुलेंस से हमको भेजा एंजियोग्राफी करने के लिए, फिर वापस लेके आया, फिर हॉस्पिटल में रखा, फिर घर भेज दिया, बोले ताबड़तोब जाके ऑपरेशन करा के आओ, तो हम लोग करा के आए। मारो नाम चिमन भाई डेर का, हूँ पहले टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी चला पाती मैंने बीमारी आए, हूँ नड़ियात गया, इलाज कर मैं सूरत किया, कार्ड से खबर पड़ी मैंने कार्ड, हाँ मैं आयुष्मान कार्ड बनायो, ने पछी मैंने 7 तारीख थी, पहले मैंने बहुत घो खर्चो थोड़ा तो हमें मैंने खर्चा सरकार थी खर्चो घो बची गया है, यहाँ खूब आभार मानु ने मोदी जी आभार मानु ने मैंने फ्री डायलिस थी जाए हम एट आभार मानु मैंने पैसा भी मैंने बचत थी गई है, हमें पहला करता वे बचत थी है। आयुष्मान भारत, तो भारत की तरक्की इसी तरह होती जाए, आगे बढ़ते जाए, हम सब भारतवासी और दमन के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ एक साथ एक परिवार बनके जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इससे दिखा दिया है कि हम सब एक हैं। हाँ या नहीं दोस्तों? 100% फैमिली एक परिवार। वैसे राहिल, गुजरात में मैं आकर मुझे बहुत ही मजा आता है, जब भी मैं गुजरात आती हूँ यहाँ पर इतनी सारी मजेदार चीजें हैं, मुझे तो सबसे ज्यादा गुजराती खाना थोड़ा मीठा मीठा होता है और गुजराती लोग जो भी बहुत ही मीठी बोली बोलते हैं। प्रीति मैं भी तो गुजरात से ही हूँ। क्या बात है, तो आपको गुजरात में क्या पसंद है? मुझे गुजरात के फेस्टिवल्स बहुत पसंद है, स्पेशली नवरात्रि कितनी कलरफुल होती है, उसमें लड़कियाँ कितनी कलरफुल लगती है, उसमें लड़के भी कितने अमेजिंग लगते हैं। बाय बाय। ए हेलो, मैंने बता लो बहुत सारा रंग है गुजरात में, बहुत सारी मस्ती है और एक और खास चीज है गुजरात में, गुजरात के ट्राइबल डांसेस पूरी दुनिया में मशहूर है और आज एक ऐसे ही ट्राइबल डांस के साथ इस शाम को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, हमने गरबा रास उत्सव तो बहुत ही देखा है पर आज आपके बीच गुजरात के जाने माने कलाकार आ रहे हैं जो आपका दिल जीतेंगे उनकी ट्राइबल डांस यानी कि रठवा डांस से, एक बहुत ही मजेदार बहुत ही रंग बिरंगी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, रठवा डांस जिसे मेन एंड वुमेन रठवा ट्राइब के गुजरात के परफॉर्म करते हैं, जो पैर में डांस करते हैं, डांसर्स को म्यूजिक मिलता है और वो बाकी सब कुछ भुला के बस डांस में लीन हो जाते हैं। तुम्हें पता है एक और चीज राहिल, इनके डांस में ना ये फॉर्म करते हैं एक पिरामिड और काफी सारे घुंघरू लेकर डांस करते हैं, इनके रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम और न जाने क्या क्या, तो हम इतनी बातें नहीं करके चलिए डांसर्स को बुलाते हैं स्टेज पर। हाँ या नहीं? बिल्कुल, तो आज की इस शाम के अगले परफॉर्मेंस मतलब कि रठवा डांस के लिए जोरदार तालियां और आवाज हो जाए। लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस रठवा डांस। प्रीति हमें भी कुछ सीखना चाहिए इससे, चलिए सीखते हैं।
परफॉर्मेंस थी दोस्तों, आई होप आप सभी को मजा आया। म्यूजिक के साथ तालियां चलती रहे, कम ऑन, म्यूजिक के साथ तालियां चलती रहे। गुजरात की ट्रेडिशनल ट्राइबल डांस रठवा डांस। थोड़ा शोर मचा दीजिए हमारे परफॉर्मर्स के लिए। जोरदार तालियां हो जाए, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। इतनी मस्ती भरी परफॉर्मेंस थी दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी को प्यार हो गया होगा ऐसी मजेदार पेशकश से। इतनी रंग बिरंगी डांस, इतनी मस्ती भरी डांस, इसी बात पर अर्ज किया है, वाह वाह तो कहिए, अर्ज किया है, प्यार हो गया होगा इस डांस से। प्यार इश्क मोहब्बत की बात कर ही रहे हैं तो अर्ज किया है, इश्क के चर्चे बहुत है, प्यार के पर्चे बहुत है, इश्क के चर्चे बहुत है, प्यार के पर्चे बहुत है। क्या बात है, हमने सोचा हम भी इश्क करके देखें। क्या बात है, हमने सोचा हम भी इश्क करके देखें। कर लेते हैं। पर कमबख्त इसमें खर्चे बहुत है। ये बात भी बड़ी सही है यार, लेकिन ये डांस फॉर्म कितनी प्रेरणा देता है, ये डांस फॉर्म हमने जो देखा वो कितना यूजफुल होता है। बिल्कुल, इतनी ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस थी, हम सभी को बहुत ही प्रेरणा मिली है इससे। नहीं नहीं, ट्रेडिशनल प्रेरणा तो मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि डे टू डे लाइफ में घर में भी इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। कैसे? बड़ी पत्नियों को इससे प्रेरणा मिल सकती है। भाई मतलब क्या कर सकती है पत्नी? मैं बताऊंगा, अगर इन्होंने डांस ध्यान से देखा होगा तो इसमें एक जो स्टेप था जिसमें पति खड़ा रहता है उसके ऊपर पत्नी खड़ी रहती है, तो घर में पंखे साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। क्या बात है, और हाथ में रुमाल तो थे ही वैसे। बिल्कुल, क्योंकि ये इतना शानदार डांस फॉर्म था, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज को बिल्कुल इंटैक्ट रखते हुए, लेकिन काफी सारी पत्नियां प्रेरणा ले सकती है। लेकिन जोक्स अपार्ट, अब यहाँ पर एक और हम एवी देखने वाले हैं जो ऐसे ही हमें प्रेरणा देते रहेंगे। तरक्की हो रही है यहाँ, हमारी गुजरात की तरक्की हो रही है, और इसी बात पर एक बहुत ही मजेदार यानी कि एक एनिमेटेड मूवी हम यहाँ आपके लिए पेश करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आयुष्मान भारत फिर से एक बार आपके सामने खूबसूरत अंदाज में पेश हो रहा है, जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं। कैसे हो भैया? बस बहन, सब अच्छा है, बस माँ की थोड़ी तबीयत खराब है कुछ दिनों से। नजदीक के ही डॉक्टर ने बताया इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। बस यही सोच रहा था कि अस्पताल में भर्ती करने और इलाज के पैसे का इंतजाम कैसे करूँगा। अरे तो आपने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ के बारे में नहीं सुना क्या? इस स्कीम के तहत आप किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल जो कि PMJ के अंदर सूचीबद्ध है, उसमें अपनी माँ या परिवार के किसी भी सदस्य को 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करा सकते हो। अच्छा, वो कैसे? बस आपको अस्पताल में अपने परिवार की पहचान के लिए राशन कार्ड या कोई अन्य सरकारी आईडी दिखाना होगा। यदि आप आधार कार्ड लेकर जाते हैं तो आपकी पहचान बायोमेट्रिक यानी कि आपके अंगूठे या उंगलियों की पहचान से की जाएगी। लेकिन बेटा, हमें ऐसे अस्पताल के बारे में पता कैसे चलेगा जो कि इस योजना के अंतर्गत आता हो? अरे बाऊजी, ये तो बहुत ही आसान है, आपको बस 14555 पे फोन करना है और वो आपको आपके घर के पास के अस्पताल के बारे में बता देंगे। फोन करने का पैसा भी नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात और, ये योजना सिर्फ हमारे गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए लागू की गई है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही बढ़िया काम किया है प्रधानमंत्री जी ने, अब हम गरीबों को अस्पताल के खर्चों की कोई चिंता नहीं। कुछ दिन बाद, राखी देखो, प्रधानमंत्री जी का एक पत्र आया है मेरे नाम का, कहते हैं कि हमारा नाम PMJ सूची में आ गया है, और देखो पत्र में ही ये कार्ड भी भेजा है जो हम माँ को भर्ती कराते वक्त अस्पताल में दिखा सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा रहेगा, अब हमें अपनी जमीन और मवेशी को भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा।
चलो अब जल्दी से इस दिए गए नंबर पर फोन करके अपने नजदीकी अस्पताल का पता लगाते हैं जो इस योजना में सूचीबद्ध है। हाँ, फोन वाली मैडम ने सही कहा था। चलो अंदर चलते हैं। देखो शायद वहाँ जाके ये पत्र दिखाना होगा। हाँ चलो। नमस्कार भाई साहब। भैया हमको अपनी माँ का इलाज यहाँ कराना है। ये रहा प्रधानमंत्री जी का पत्र। पहले मुझे आपकी पात्रता चेक करनी होगी और आपकी पहचान भी करनी होगी। PMAM पत्र को उसकी ID से वेरीफाई करता है और सुरेश को बताता है कि ये वेरिफिकेशन मोबाइल नंबर, नाम, राशन कार्ड नंबर से भी किया जा सकता है और यदि आधार कार्ड हो तो पहचान बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे या उंगलियों की पहचान से भी की जा सकती है। फिर PMAM यूनिक फैमिली ID जो कि प्रधानमंत्री जी के खत में दी गई थी से उनके रिश्ते के बारे में पता लगाता है। दमन उत्सव लिबरेशन डे की ये सेलिब्रेशन की शाम, आई होप आप सभी को मजा आ रहा है। सारे एकटक होकर बैठे हुए हैं पर यहाँ ठंडी इतनी है। राहिल आपको ठंड लग रही होगी। मुझे लगता है कि हमें हमारे ऑडियंस के लिए कुछ करना चाहिए, उनकी ठंडी को गर्मी में बदलना चाहिए। प्रीति कुछ तो मजेदार हमें करना चाहिए। हाँ आफ्टर ऑल हमें पेमेंट मिली है। लेकिन यहाँ पर हम आपके साथ थोड़ा सा वार्म अप करना चाहते हैं ताकि आप में भी थोड़ी गर्मी और जोश बढ़ जाए और हम दोनों को भी ऐसा लगे कि हम दोनों के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। तो राहुल क्यों ना हम इनके साथ एक गेम खेले। आप वहीं बैठे रहिए, हम यहीं रहेंगे। पर ये गेम बहुत ही मजेदार है, बहुत ही आसान है, पर इसमें बहुत ही मस्ती होगी। तो इसमें रूल्स बता देते हैं जरा। आपको अपने फोन जो है वो साइड पे रख देने हैं क्योंकि आपके दोनों हाथ तो इस गेम के लिए यूज होंगे। तो सब फोन्स को पॉकेट में या साइड पे रख दीजिए। और अब हम और जो हाथ कहेंगे को भी पॉकेट में नहीं, हाथ को भी हाँ। बाहर रखना है। चलिए पहले सबके हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर करके दिखाइए। सबके हाथ ऊपर, हमको जानना है सबके हाथ लेके आए हैं सब। जय माता दी नहीं कह रहे हम पर, सारे हाथ ऊपर कीजिए। वेरी नाइस एवरीबॉडी, कम ऑन, पीछे भी आगे भी सारे लोग। अच्छा जो डीओ लगा के नहीं है हाथ नीचे, बाजू वाले की हित में जारी। चलिए आप भी हाथ ऊपर कर ही लीजिए, बस इस गेम के लिए आगे नहीं करना। तो गेम के रूल्स बड़े ही आसान हैं। बिल्कुल, 1 और 2 ये दोनों नंबर हम सब ने सीखे हैं, 1 और 2। तो अब हम दोनों बारी बारी इस नंबर्स को बोलेंगे। इस पे क्या करना है बोलने पे प्रीति? अब इस नंबर पे आपको बजानी है जोर से ताली। अगर हमने कहा 1 तो आपको जल्दी से 1 ताली बजानी है, अगर हमने कहा 2 तो जल्दी से ठक ठक 2 तालियां होनी चाहिए। और हम बीच में आपको कंफ्यूज तो कर ही सकते हैं पर हम देखना चाहते हैं कि आप एक साथ एक ही रिदम में एक परिवार बन के ताली बजा सकते हैं या नहीं। चलिए रेडी, अगर रेडी तो 1 ताली। क्या बात है, वेरी नाइस। तो हम कोई भी नंबर बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कभी 1 कभी 2 होगा, कभी 2 कभी 1, कभी दोनों 1-1 हो सकता है। और आपको सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके गेम धीरे धीरे फास्ट होती जाएगी। आपको अपना ध्यान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा देना पड़ेगा और साउंड एक साथ सबका एक ही साउंड निकलना चाहिए, किसी का 2 किसी का 1 नहीं। ओके लेट्स बिगिन। हाथ ऐसे पूरे से तैयार रखे तालियां बजाने के लिए। ओके सो सबसे पहले 1 2 1 1 2 3। क्या बात है, अपने लिए 1 ताली। 2 5 ये हुई ना बात। और ढेर सारी तालियां हम अपने आप के लिए बजा देते हैं, ढेर सारी हजारों तालियां। हाथ गर्म हो चुके होंगे तो 100। थैंक यू सो मच फिर से एक बार। अब बुलाते हैं हमारे क्या अगले, माहौल बन गया है और इसी बात पर एक और पेशकश होनी चाहिए। क्या कहते हैं, थोड़ी और डांस, थोड़ी और म्यूजिक हो जाए। सुनो ना सोंगे मुखोटे, सॉरी जी हाँ, यही हमारी अगली पेशकश है। हमने अब गुजरात की परफॉर्मेंस तो देख ली, अब चलते हैं भारत के विभिन्न देशों की बाकी सिटीज की ओर। और अब भारत में और कौन सी एक मजेदार जगह है, मैं जरा क्लू दे देती हूँ, जहाँ से मैं आई हूँ
कौन सी जगह है? जी हाँ, महाराष्ट्र। तो चलिए अब हम आपको महाराष्ट्र की एक बहुत ही मजेदार डांस दिखाने जा रहे हैं। इसकी खूबी है कि इसे चैत्र पूर्णिमा पर बहुत ही खास वक्त दिया जाता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ सोंगी मुखोटो को पेश किया जाए। थोड़ा शोर मचा दीजिए, ढेर सारी तालियां हो जाए। प्लीज वेलकम हमारी अगली परफॉर्मेंस, सोंगी मुखोटे। इसका नाम मुखोटे है लेकिन तालियां तो आपको हाथ से ही बजानी है, तो जोरदार हो जाए तालियां एक बार। कम ऑन ऑडियंस, क्या बात है। आगे वाले फॉर अ चेंज बहुत ज्यादा एक्टिव है, वीआईपी लोग ज्यादा एक्टिव है पीछे के लोगों से। पीछे एक बार और जोरदार पावर दिखा दो। आई लव यू यार, क्या बात है। जोरदार तालियां प्लीज एवरीवन फॉर द ब्यूटीफुल सोंगी मुखोटे। कितनी रंग बिरंगी पेशकश थी, इतने सारे मुखोटे लेकर यहाँ कोई शेर बनकर आया है तो कोई यहाँ ड्रैगन बनकर आया। आपको मजा आया कि नहीं? बिल्कुल,
तुझे पता है प्रीति, हम सब जिंदगी में अलग अलग प्रकार के चक्करों में पड़े रहते हैं। कई सारे चक्र तो होते ही हैं, पर अब जो हमारी अगली डांस है वो एक ऐसे सिटी से है जिसे मुझे बहुत ही पसंद है, यानी कि पिंक सिटी जिसे कहा जाता है, यानी कि राजस्थान की जयपुरी डांस है ये। तो आइए एक साथ मिलकर पधारो जी भरे देश, चलते हैं राजस्थान की डांस की ओर। बिल्कुल, तो इससे पहले कि मैं इस डांस की ओर बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि एक सेलिब्रेशन का एक प्यारा सा मौका नहीं खोना चाहिए। आज निराली जी की बर्थडे है, हमें अभी अभी बताया गया है, और आज उनकी बर्थडे पर एक बार जोरदार सब मिलके गुड विशेस दे देते हैं। हैप्पी बर्थडे निराली जी। तुम जियो हजारों साल साल के हो हजार दिन। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे निराली जी। और अब बढ़ते हैं राजस्थानी फोक डांसर्स की ओर, बुलाते हैं चक्री डांस। चक्री डांस को खास करके तीज के प्रोसेशन में जयपुर, राजस्थान और इंडिया में पेश किया जाता है। चक्री इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फोक डांसेस ऑफ कंजर ट्राइब।
की मजेदार पेशकश, पर क्या आपका दिल मांगे मोर? क्या आप चाहते हैं और भी मजेदार मनोरंजन, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस और भी हो? हाँ या नहीं? थोड़ा शोर तो मचना चाहिए दोस्तों, थोड़ी तालियां तो होनी चाहिए दोस्तों। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लब पर खुशी की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे हंसी के सितारे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तो जरा जोरदार तालियां बजाइए, हम पर भी जरा मेहरबानी बरसाइए। और चलिए अब बुलाते हैं अगले डांस फॉर्म को, और अब अगला डांस फॉर्म आ रहा है सिद्धि धमाल डांस। और जैसे इसका नाम है धमाल, बिल्कुल ही धमाल होने वाला है आज यहाँ स्टेज पर। और ये कई सारे ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ गुजरात ये डांस परफॉर्म करते हैं, तो धमाल करते हैं विद सिद्धि धमाल डांस।
एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस खास परफॉर्मेंस के लिए। और इतनी सारी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बाद दोस्तों, अब हम सबकी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच आज यहाँ पधार रहे हैं दमन के माननीय प्रशासक महोदय। तो जोरदार तालियों से शोर मचाकर उनका स्वागत किया जाए। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, ढोल ताशों के साथ तालियां भी चलते रहे। माननीय प्रशासक जी ने जब से कार्यभार संभाला है, तब से वह संघ प्रदेश के विकास और इस भारत को मॉडल क्षेत्र बनाते हुए हमेशा हमेशा प्रगति की ओर बढ़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, और इसीलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि अपना कीमती समय और हम सब के लिए प्रोत्साहन रूप बन के वे आज हमारे बीच यहाँ पे पधारे हैं। और हमें ये पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और हम इसी तरह से बेहतर कार्य करने के लिए उनसे ये प्रेरणा लेते रहेंगे। इट्स आवर फॉर्च्यून टू वेलकम द ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर सर, जो हमारे बीच यहाँ अब पधार रहे हैं। ढोल पाशा के साथ उनका आगमन यहाँ पर हुआ है। इनकी गरिमा, इन्होंने जो दमन के लिए जो सोच रखी, उस सोच पर दमन का हर वासी चल पड़ा और आज दमन जिस मुकाम पर पहुंचा है, हम सबको एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, सभी मिलकर एक बार जोरों से तालियां बजा दीजिए सर के लिए। हम सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज हमारे साथ स्टेज पे जुड़े, जोरदार तालियों के साथ इन्हें स्टेज पे आमंत्रित किया जाए। ढोल की आवाज, ताशों की आवाज के साथ तालियों की आवाज भी चलते रहे। बहुत बहुत स्वागत है। ओके तो और हम अब सर से दरख्वास्त करते हैं कि इस शाम इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया जाए, और इनके इनॉग्रेशन होने के लिए माइक और रिमोट आना बहुत जरूरी है, तो रिमोट को प्लीज पेश किया जाए। सर से निवेदन है कि और अब हम काउंटडाउन करेंगे 10 से 1 तक। हम सब एक साथ मिलकर काउंट डाउन करेंगे एक आवाज बनके। जब यहाँ स्क्रीन पर नंबर्स आएंगे 10, 9, 8, 7, हम सब जोर से कहेंगे काउंट डाउन। चलिए तैयार हैं आप सब? और जैसे हम चाहते हैं कि दमन हमेशा नंबर 1 रहे, तो 1 जैसे ही होगा, तो जैसे ही 1 होगा यहाँ पर बिल्कुल इनॉग्रेशन हो जाएगा आज की इस शाम का सर के हाथों। तो चलिए स्क्रीन पे काउंटडाउन और हम सब एक साथ इस काउंटडाउन में जुड़ते हैं। चलिए काउंटडाउन शुरू किया जाए एक साथ।
हैं दमनोत्सव। बता दें कि तीन दिन के दमन उत्सव में जो हमने बहुत मजा किया, ये उसकी एक शॉर्ट हाइलाइट्स है। तो अगर आपने एक भी पल मिस किया तो ये सारे उन पलों का हाइलाइट आप देख रहे हैं। कई सारे कॉम्पिटिशन थे, कई सारे परफॉर्मेंसेस थे और कई सारी प्राइजेस भी होंगी। ये त्योहार है दमन का, एक बार जोरदार तालियां हो जाए अगर आपको ये त्योहार में बहुत मजा आया हो तो। कई सारी कॉम्पिटिशन्स थी, डांस, कुकिंग, मेकअप और न जाने कितने सारे, और आप सबने यहाँ परफॉर्म किया, दिलो जान लगाकर अपनी पूरी मेहनत डाली इसमें, और इसीलिए आज सर के हाथों आपको प्राइज दिया जाएगा। बिल्कुल, इतना खास मौका शायद ही कभी मिलता है जब सर के हाथों से आपने जो कंपटीशन में विनर बने हो वो प्राइज लेने का मौका मिलता है। और चलिए तो उन विनर्स को अब हम स्टेज पे बुलाते हैं और सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन विनर्स को अपने हाथों से प्राइजेस दे। और सबसे पहला नो फायर कुकिंग कंपटीशन, यानी कि बिना गैस, बिना आग जलाए खाना बनाना बहुत ही अलग कला है। तो कौन जीते हैं ये कॉम्पिटिशन कुकिंग विदाउट फायर? एंड द विनर इज जयत्री ठाकर। जोरदार तालियां हो जाए जयत्री ठाकर के लिए, बहुत ही पहली विजेता जयत्री ठाकर। मैं सुबह वहीं था और जो खूबसूरत इन्होंने डिशेस बनाई थी, जोरदार तालियां हो जाए हमारे सारे विनर्स के लिए, तालियां बजती रहे। बहुत ही मुश्किल था विनर बनना इन सारे कॉम्पिटिशन्स में, और जो विनर बना है वो उसका बिल्कुल हकदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहली विनर हमारी, आपको बहुत बहुत बधाइयां। और हमारा अगला जो कॉम्पिटिशन था वो था कॉम्पिटिशन, यानी कि हर इंडियन परिवार शादी जब होती है तो मेहंदी कितना खास एक रस्म है और कितने सारे त्योहारों में भी मेहंदी लगाई जाती है। तो चलिए मेहंदी कंपटीशन की फर्स्ट प्राइज विनर इज तेजस्विनी राणा। मेहंदी कंपटीशन की हमारी विनर के लिए तालियां हो जाए। हम बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत मेहंदी के पीछे इनका हाथ है। बहुत बहुत बधाइयां, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। इसी तरह मेहंदी लगाते रहिए, सबके हाथों को सुंदर बनाते रहिए। एंड अब हमारी तीसरी प्राइज इस शाम की, जो कि है मेकअप और हेयर स्टाइल कॉम्पिटिशन के फर्स्ट प्राइज। और मेकअप और हेयर स्टाइल तो सारी औरतों की फेवरेट चीज है, सभी पार्लर में एक एक घंटा बैठी रहती है। तो चलिए देखते हैं कौन ले जा रही है ये इनाम, जिन्होंने सबसे सुंदर मेकअप और हेयर स्टाइल किया है। एंड द विनर इज दीपाली शेट्टी। देखिए इनके बाल भी इतने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर सा मेकअप करके खुद भी आई है हमारी विनर। डांस मेनिया के कंपटीशन को बुलाते हैं और डांस मेनिया के सेकंड प्राइज विनिंग ग्रुप है फास्ट एंड फॉरवर्ड ग्रुप। जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग थोड़ा डांस करके
करके आइए स्टेज पर, एक थोड़ा स्टेप कर आइए स्टेज पर। ये हुई ना बात डांस मेनिया के सेकंड प्राइज विनर एंड योर ही इज प्रेजेंटेड बाय द ट्रॉफी फॉर विनिंग इट। अब आगे बढ़ते हैं डांस मेनिया के फर्स्ट प्राइज विनर की ओर। और इसमें जब हुआ था कंपटीशन तो किसी को डाउट नहीं था कि ये टीम विनर बनेगी। एस गैंग के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एस गैंग डांस करके स्टेज पर आना है आपको। ये क्या बात हुई माइकल जैक्सन, हमारे फर्स्ट प्राइज विनर एस गैंग। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक आखिरी प्राइज ट्रेजर हंट, जो कोनों कोनों में से ये प्राइजेस निकालने के लिए सक्षम थे। इसमें टाई हुआ है, फर्स्ट प्राइज में दो ग्रुप्स मिले। फर्स्ट ग्रुप इज अर्जुन तनशुक उदेशी एंड ग्रुप, एंड सेकेंड ग्रुप इज विक्रम देव जडेजा एंड ग्रुप। प्लीज कम एंड कलेक्ट द प्राइज। दमन टूरिज्म के थीम पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्में बनाई गई थी, और उसमें मूवी मेकिंग कंपटीशन में एक टीम जो विनर बनी है उनका नाम है सागर भावसार। के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मूवी मेकिंग कंपटीशन जो दमन टूरिज्म के ऊपर बेस्ड मूवी थी कि दमन अ टूरिस्ट पैराडाइज, ये जो एक थीम थी उस पर इन्होंने ये मूवी बनाई। तो बहुत ही खूबसूरत ये मूवी थी जिसके लिए उन्हें प्राइज मिला जा रहा है। दमन में कई सारी खूबसूरती है, कई सारी बीचेस है, और ये किला भी है जहां हम अब यहां खड़े हैं, और कितनी सारी बहुत ही सुंदर सुंदर जगहें हैं टूरिज्म के लिए। और इन्होंने जो मूवी बनाई सबसे ज्यादा सुंदर मूवी थी, एंड आप सब YouTube पे इनकी मूवी देख सकते हैं, और कई सारी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन सब की मूवीज देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। लेकिन इन्होंने जो मूवी बनाई थी सर, हम चाहते हैं कि वो आप मूवी देखें, लेकिन आप अपने तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। एंड वी थैंक यू सो मच, आप यहाँ अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच यहाँ आए हैं, और सभी हमारे विनर्स को बहुत बहुत बधाइयां, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रफुल्ल पटेल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, और उनके यहाँ पर आने से बिल्कुल हम सब प्रफुल्लित हो उठे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और अब जब सर अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे तो हम उनको ये विनिंग मूवी दिखाएंगे जो हमारे दमन के लिए बनी थी। तो चलिए इस स्क्रीन पर देखते हैं इस विनिंग मूवी को, दमन अ टूरिस्ट पैराडाइज। सफर
प्यारी सी फिल्म थी, कितनी सुंदरता दिखाई थी दमन की. ट्रूली ट्रूली डिजर्विंग टू बी द विनर. और अब हम फिर से एक बार दो दिनों की जो हाइलाइट्स, ये इवेंट से पहले की जो हाइलाइट्स हमारी हमने पहले देखी थी, फिर से एक बार आपके लिए प्ले करना चाहेंगे. हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे कि ये तीन दिनों में दमन ने कितना मजा किया. राहिल, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि पिछले दो दिन इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, इतने सारे जो लोग आकर स्टेज पर प्राइजेस लेकर गए हैं, और कितनी सारी यहाँ पर मस्ती हुई है सारा दिन. बिल्कुल, को इतने सारे वर्कशॉप्स हुए थे, जुम्बा किया लोगों ने आकर, और कितना कुछ किया. तो क्या आप देखना चाहते हैं? प्रीति प्रीति प्रीति, तू तो सिर्फ इमेजिन कर सकती है, लेकिन मैं तो यहाँ पर साक्षात मौजूद था, और ये वीडियो में भी दिख जाऊं तो तालियां बजा देना. तो चलिए देखते हैं दमन उत्सव, दमन का ये त्योहार कितना जश्न मनाया दमन ने. लेट्स एंजॉय एक झलक दमन उत्सव 2018. उत्सव जोरदार तालियां हो जाए फॉर दमन उत्सव 2018 टू सेलिब्रेट द लिबरेशन डे ऑफ दमन. वाओ. अच्छा, यहां पे प्रीति नहीं थी तो मुझे बता कि ये इतनी सारी जो चीजें देखी उसमें से अगर तू होती तो सबसे ज्यादा मजा तुझे कौन सी चीज करने में आता? मुझे तो जुम्बा बहुत ही पसंद है. सभी लोग मिलकर ये डांस करते हैं और जो भी खाया होता है वो सब कैलोरीज चली जाती है. नहीं? मुझे तो जुम्बा के टाइम पे जो हुला हुआ होता ना उसमें बड़ा मजा आया. हुला में जो बहुत सारे, मैं एक बात बताऊं, दमन के लोग इतने ज्यादा खुश मिजाज हैं कि 5 साल का छोटा बच्चा भी हुला हुप कर रहा था और 65 इयर्स के जो हमारे बुजुर्ग थे वो भी बहुत प्यार से हुला हुप करने की कोशिश कर रहे थे. और हमारे बीच जो विनर आई थी अभी, जिन्होंने बिना फायर कुकिंग की, मैं तो उनसे बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ कि आप कहीं पर भी जाओ जहाँ गैस नहीं हो वहाँ पर भी आप खाना बना सकते हो. दमन के लोगों में बड़ी आग है लेकिन वो खाना बिना आग के बना सकते हैं. यार, दैट इज सच अ लवली टैलेंट. तो एक मिनट, टैलेंट की हम बात कर रहे हैं तो मैं आपका टैलेंट देखना चाहती हूँ. तो मेरे इस तरफ जितने लोग बैठे हैं, पीपल टू माई राइट एंड पीपल टू माई लेफ्ट, यानी कि राहिल की तरफ जो लोग बैठे हैं और जो लोग मेरे तरफ बैठे हैं उनके बीच में अब हम एक कॉम्पिटिशन करेंगे. बिल्कुल, अंताक्षरी. अंताक्षरी नहीं करेंगे. अब देखते हैं किसमें कितना है दम. अब आपको मचाना है शोर. जब मैं इस तरफ हाथ करूंगी आप सारे शोर मचाएंगे, और जब राहिल इस तरफ हाथ करेंगे तो आप सारे शोर मचाएंगे. पर देखते हैं कौन से साइड से ज्यादा शोर मचता है.
मुझे पता है राहिल मेरे साइड वाले ज्यादा शोर मचाएंगे है क्या? नहीं नहीं मेरे साइड सारे हमारे टीम के मेंबर्स हैं तो हमारा ही ज्यादा सपोर्ट होगा यहाँ पर, हमने बहुत सारा वक्त बिताया साथ में। कम ऑन गाइस लेट्स डू बू। हाँ चलिए पहले हम मौका देते हैं इनको। चलिए अच्छा ये बड़ा देखो अब हमारी आवाज को कॉपी करके वो लोग करेंगे कुछ ना कुछ, ओरिजिनल तो हम ही रहेंगे। शोर मचाएंगे ठीक है ठान लीजिए। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं थोड़ी सर्दियों में थोड़ी गर्मियां लाते हैं और गले के रियाज से ज्यादा और बेटर क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर मेरे ये मैजिकल हाथ जैसे आपकी ओर आता है, जितना लंबा शोर कर सकते हैं, मैं जोर नहीं कहूंगा लंबा कहूंगा क्योंकि उसकी ज्यादा पावर होती है। ये इनको नहीं पता, ये लोग अभी नए नए आए हैं ठीक है। चलिए सो लेट्स डू दिस। दमन आर यू रेडी? इज्जत रख लेना। 1 2 3 लेट्स मेक सम नॉइज। देखा 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 राहिल ये तो कुछ नहीं था। अब मेरे तरफ के लोगों को देखते हैं, आप लोग ने ठीक है अच्छा किया, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर आप लोग एकदम आग लगा देना, एकदम जोर से शोर मचा देना। ओके एट द काउंट ऑफ 3 सभी लोग मिलकर इनसे ज्यादा शोर मचाएंगे। ओके 1 2 3। कहाँ है कोई कोई आवाज ही नहीं आई, ये पहली रो खाली आवाज कर रही है बस। चलिए एक और मौका दे देते हैं। नहीं दे सकते। मैं बताऊं सबसे ज्यादा आवाज कहां आएगी, क्योंकि हमारे देश में यूनिटी है ना, राइट में देश बटा है ना लेफ्ट में बटा है, सबसे ज्यादा सेंटर से आवाज आनी चाहिए। तो हम दोनों मिलके, हम सब मिलके यहां पर जैसे हमने कहा कि प्रफुल्ल सर हमारे साथ है और दमन के विकास में इन्होंने इतना ज्यादा अच्छा योगदान दिया है, तो राइट लेफ्ट सब कुछ सेंटर से मिला के एक बार दमन उत्सव के लिए एक साथ एट द काउंट ऑफ 3 आपको शोर मचाना है एक परिवार बनके एक साथ ठीक है। आर यू रेडी? 1 2 लेट्स मेक सम नॉइज ऑन 3। प्रफुल्ल सर आप बहुत सच कहते हैं कि दमन जब एक साथ हो जाता है तो हमेशा हमेशा मैजिक क्रिएट होता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब मैजिक की बात की है तो मैजिक विदाउट फायर क्या है? कुछ नहीं। तो जैसे हम कई देर से कह रहे हैं कि यहाँ आग लगा देंगे हम, धमाल कर देंगे, धूम मचा देंगे, तो अब यहाँ कुछ मैजिकल होने वाला है। सो कीप योर आईज ग्लूड ऑन द स्टेज, लेट्स गेट रेडी फॉर अ मैजिकल परफॉर्मेंस कमिंग अप राइट हियर, नॉट बाय सम पीपल, लोग नहीं आएंगे यहाँ परफॉर्म करने के लिए, यहाँ आग लगने वाली है, आग यहाँ पर आकर परफॉर्म करेगी। लेट्स गेट रेडी फॉर द फायर परफॉर्मेंस। सो आने वाले कुछ पल आई एम श्योर आपको जिंदगी भर याद रहेंगे विद सम अमेजिंग लेजर शो एंड फायरवर्क कमिंग अप योर वे। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ लेट्स वेलकम दीज परफॉर्मेंसेस ऑन द स्टेज। And presenting to you our laser and fire show. एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा जो हम यहां पे देखने वाले हैं दमनोत्सव, दमन के लिबरेशन डे सेलिब्रेशन में, जहां कई सारे लोगों की कई सारी लंबे दिनों की मेहनत आज इस खूबसूरत शक्ल में हमारे सामने है, जहां पूरा दमन एक साथ इकट्ठा हुआ है जश्न मनाने के लिए। प्रफुल्ल पटेल जी की मौजूदगी इस पे चार चांद लगाती है, तो बहुत खूबसूरत सा ये माहौल है। और चलिए आगे बढ़ते हैं एक खूबसूरत से लेजर शो के और फायरवर्क के अंदाज की ओर और इस शाम को आगे बढ़ाते हैं।
कहा जाता है हर तूफान के पहले सन्नाटा होता है, और अब ये इतनी दिल को छूट जाने वाली पेशकश होने वाली है, तो थोड़ा सन्नाटा तो बनता है, बट इंतजार कीजिए, दिल थाम कर बैठिए, एंड लेट्स गेट रेडी फॉर द लेजर एंड फायरवर्क शो। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन दमन में सब्र का फल ही लेजर शो और फायरवर्क्स होता है। मगर वही शहर सबके आकर्षण का केंद्र बनता है जो अपने इतिहास को वर्तमान में और भविष्य में भी संभाल के रखता है, और ऐसा ही एक शहर है दमन। सालों पहले जो पोर्टुगीज साम्राज्य के नीचे अपने आप को विकसित कर रहा था, वो दमन सन 1961 से हिंदुस्तान में जुड़ गया। जिस लड़त को गोवा इन्वेंशन एक्ट के नाम से याद किया जाता है, 18 और 19 दिसंबर 1961, ये वो दिन थे जब गोवा पोर्टुगीज से जुड़ा हुआ था। आजादी से पहले दमन और दीव गोवा के नाम से जाने जाते थे, मगर सन 1987 के बाद गोवा में से दमन और दीव को अलग किया गया। गोवा, दमन, दीव तीनों भारत के सबसे प्रिय पर्यटक स्थल है, जिसमें से दमन के पास ढेरों ऐतिहासिक यादें हैं। 1614 एडी में बना सैन जेरोम किला पोर्टुगीज द्वारा बनाया गया, दमन गंगा नदी के किनारे नानी दमन के पास। इस किले में लगे पत्थरों की हाइट 4 फीट जितनी बड़ी है। यह किला किंग ऑफ सरकेटा और मुगलों के आक्रमण का सामना करने के लिए बनाया गया था, जिसे आज भी गेट ऑफ दमन के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक और किला है, द फोर्ट ऑफ मोटी दमन। यह किला 16वीं सदी में बनाया गया। 30,000 स्क्वायर फुट एरिया में फैला यह किला किसी बड़े साम्राज्य से कम नहीं लगता, जो एक तरफ समंदर, एक तरफ नदी और एक तरफ खाई से सुरक्षित है। यह किला कला और वैभवता का अद्भुत नमूना है। दमन में बसी पोर्टुगीज प्रजाति ने चर्च बनाए, जो दमन के पवित्र स्थलों में माने जाते हैं। चर्च ऑफ बॉम जीसस 17वीं सदी में पोर्टुगीज आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया। 1603 एडी से खड़ा यह चर्च वास्तुकला और स्थापत्य कला के विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। दमन में आज ट्राइबल, मुस्लिम्स, हिंदूज और कैथोलिक कम्युनिटीज है, जो बहुत ही आवकार्य है। हर धर्म के हिसाब से यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं। नारियल पूर्णिमा और क्रिसमस दमन के मुख्य त्योहार है। नारियल पूर्णिमा बारिश के मौसम के आखिरी दिनों में मनाया जाता है, जिसका अपना महत्व है, जिसकी अपनी संस्कृति है। मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का सबसे बेहतर समय शुरू हो गया है, ये संदेश नारियल पूर्णिमा का त्योहार देता है, जिसमें मछुआर दोस्त दरिया देव को नारियल अर्पण कर प्रार्थना करते हैं। और क्रिसमस पोर्टुगीज के वक्त से काफी जोरों से मनाया जाता है, जो सिलसिला आज भी कायम है। मदर मैरी को प्रे किया जाता है और स्पेशल क्रिसमस पार्टीज ऑर्गेनाइज कर उसे सेलिब्रेट किया जाता है। गोवा से जब दमन अलग हुआ, तब पहले डिसाइड हुआ था कि उसे गुजरात टेरिटरी में मिला दिया जाए, मगर 72 स्क्वायर फीट एरिया में फैला दमन एक परफेक्ट टूरिस्ट प्लेस है, जिसे उसी तरह डेवलप करने का एक सफल निर्णय लेकर दमन को यूनियन टेरिटरी में रखा गया। देवका, नानी दमन और जामपुर दमन के मुख्य किनारे है। वे सभी सुंदरता की व्याख्या बन हमारी आंखों में बस जाते हैं। दमन में हर तरह के लोग घूमने आते हैं, कुछ जिन्हें मौज मस्ती और मडरगस्ती करनी है, और दूसरे जिन्हें समंदर के पानी में खुद की तस्वीर खोजनी है। दमन की समंदरी शांति लोगों को आकर्षित करती है। मुंबई जैसे भीड़भाड़ भरे शहर से 160 किलोमीटर दूर दमन एक अच्छा वैकेशन प्लेस है। यहाँ का जायका जरा अलग है, जिसमें से समंदरी हवाओं और इंडियन मसालों की महक महसूस होती है। लजीज सी फूड हर पर्यटक का दिल जीतता है, इसीलिए हर साल मुसाफिर दोस्त दमन घूमने आते हैं। दमन के चर्च, किले, बाजार, लाइट हाउस, लेक गार्डन, वाटर पार्क्स, वाटर स्पॉर्ट्स आपको आकर्षित करेंगे। यहाँ रहने के लिए सभी सहूलतें आसानी से मिल जाती है। कुदरती माहौल, ऐतिहासिक अंश और यहाँ के लोग दमन को एक श्रेष्ठ स्थल बनाते हैं। आने वाले वर्षों में दमन काफी सारी सरप्राइजेस आपके लिए लेके आ रहा है, यानी कि दमन आना आपके लिए और आपके परिवार के लिए फायदे का सौदा है। ऐतिहासिक अंशों के साथ भविष्य की चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीने के लिए आप भी दमन आइए, दमन के साथ थोड़ा मुस्कुराइए।
दमन इतना आवाज क्यों कर रहा है सडनली यार, क्या हो गया है आप लोगों को? क्या आपको हमसे प्यार हो गया है? हमसे यार देखो, मैंने जब कहा तब कोई भी लड़की जवाब नहीं दे रही। तुम लड़कियों के नखरे बड़े होते हैं यार, और होने भी चाहिए। हाँ लड़कियों जरा बोलिए, हमारा हक है कि नहीं नखरे करना? और वैसे भी हमारे जो सिंगर अब स्टेज पर आ रहे हैं, उन्होंने हम सब लड़कियों के लिए गाया है हाय निहाय नखरा तेरा नी। एवरीबॉडी लेट्स सिंग अलोंग। तो हमारे नखरों पर तो गाने भी लिखे जाते हैं। देखो अगर लड़कियों के नखरे होते तो हम लड़के भी बड़े दिल फेक होते हैं, इसीलिए हमारे सिंगर ने गाया है जो मैं तेरे लिए गाता हूँ, बन जा तू मेरी रानी।
बिल्कुल नहीं। आगे की लाइन क्या है? बन जा तू मेरी रानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो सारे लोग बिल्कुल मूड में आ गए हैं, तो क्या हम इन गानों के सिंगर को बुला लें यहाँ? यस। नहीं 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 प्रीति, यही चांस हमें मिला है कि हम थोड़ा भाव का सकते हैं, तो अगर ज्यादा हमारे लिए आवाज करोगे तो हम बुलाएंगे। आप शोर मचाएंगे, तालियां बजाएंगे तो उन्हें लगेगा कि यहाँ दमन के लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो दमन, क्या आप तैयार हो? तो सिर्फ नखरा तेरा और बन जा तू मेरी रानी नहीं, कई सारे और गाने इन्होंने गाए हैं। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट एंड आई एम श्योर आप सब बहुत एक्साइटेड हैं। उन सभी गानों को सुनने के लिए अपनी जगहों पर खड़े होकर डांस भी कर सकते हैं, हाथ ऊपर करके तालियां बजा सकते हैं। एंड यस, आई एम गेटिंग वेरी एक्साइटेड टू वेलकम द वन सेंसेशनल सिंगर जिन्होंने सबका दिल जीत लिया है। द एंटायर कंट्री इज इन लव विद हिम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रीति उनके गानों से तो आग लगी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो खूबसूरत दमन के लिए लेजर शो हुआ और उसके बाद जो फायरवर्क्स हुए, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए भी एक बार जोरदार आवाज और तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन। हाँ हाँ, अब तो तुम सारी चीजों पे आवाज करोगे। एंड नॉट जस्ट द लेजर एंड फायर शो, मुझे लगता है जितनी भी आज परफॉर्मेंसेस थी, हमारे जितने भी परफॉर्मर्स आज स्टेज पर आए, ईच वन ऑफ देम वॉज सो सो ब्रिलियंट। और हमें आवाज और ताली और चीयर इसके लिए भी नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि आज दमन लिबरेशन डे का सेलिब्रेशन का ग्रैंड फिनाले है, तो डबल आवाज होनी चाहिए। इससे और बड़ा मस्तक तालियों का हो ही नहीं सकता। सभी एक साथ मिलकर बोलिए, थ्री चीयर्स फॉर दमन उत्सव। हिप हिप, लाउडर। हिप हिप, वन मोर टाइम एवरीबॉडी, हिप हिप। चलिए, जब आप इतने सारे हमारी बातें मान रहे हैं तो हम भी आपकी बात अब मान ही लेते हैं जी। एंड इसी बात पर दोस्तों, आग कहीं भड़क न जाए, दिल कहीं धड़क न जाए, आग कहीं भड़क न जाए, दिल कहीं धड़क न जाए, संभाल के रखना दिल अपना, इनको देखकर कहीं भटक न जाए। लेट्स गेट रेडी टू वेलकम द मैन हुज हियर टू स्टील योर हार्ट। एंड बचना ए हसीनों, क्योंकि ये आप सभी को दीवाना करने वाले हैं अपने म्यूजिक से, अपने परफॉर्मेंस से। बिल्कुल, अब ज्यादा वक्त ना ले वरना ऑडियंस भड़क ना जाए। तो चलिए, एक खूबसूरत अमेजिंग ऐसी शाम यहाँ पे आपके नाम, जिसे दमन आने वाले कई सालों तक याद रखेगा। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए फॉर द वन एंड ओनली हाई रेटेड गबरू गुरु रंधावा। हाई रेटेड गबरू नू मारे, दी मुंडे पागल हो गए ने, ते
तेरे गिन गिन लक दे हुल्लारे हाय नखरा तेरा नहीं हाय रे तेरे गबरू नू मारे दी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुल्लारे वो तेरी टेढ़ी टेढ़ी तकनी कमाल कर गई अखाना अखाना तू सवाल कर गई वो तेरी टेढ़ी टेढ़ी तकनी कमाल कर गई अखाना तू सवाल कर गई दमन दे किन्ने मरदे ने ते किन्ने पहला तू मारे ये मत चला हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गबरू नू मारे दमन वाले पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे हाय ओए ओए व्हाट्स अप एवरीबॉडी ठीक है को सारे एवरीबडी गुड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस थैंक्स टू सर प्रफुल पटेल जी हमें आज यहाँ पे बुलाने के लिए एंड थैंक्स टू एवरीबडी सारे दमन का ये मेरा पहला विजिट है दमन का और आप सबको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है थैंक यू सो मच फॉर लविंग माय म्यूजिक गानों को प्यार करने के लिए आज सारे हिट गाने आपने जो हिट करे हैं वो आप ही के साथ गाएंगे और इतना डांस करना कि आज दमन हिला देना अभी बड़ी रेडी और मैं चाहता हूं आप सब गाओ मुझे लग रहा है आगे बहुत ज्यादा वीआईपी लोग बैठे हैं आप सबको नमस्ते थैंक यू धन्यवाद और जो पीछे बैठे हो एक बार शोर मचा के बता दो अभी बड़े और मैं चाहता हूं आप गाओ फिर मैं आपके साथ साथ गाऊंगा वो तेरी टेढ़ी टेढ़ी तकनी अखाना तू सब कितने पहला तू मारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू नू मारे दी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुल्लारे हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू नू मारे दी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुल्लारे एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप एवरीबॉडी वांट शक हाथ विच पाया जुड़ा हाथ भी ना आउंदा या आए नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा या ओ हाथ विच पाया जुड़ा हाथ भी ना आउंदा या तेरे ते शर्तां ला ला के हाय रोज कितने ने हारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू नू मारे भी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुल्लारे हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू नू मारे भी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुल्लारे ओल भोरी जंप 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 ना 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 दिल ते दिमागी उते छा गई ओ ब्यूटीफुल हो जे तू दमन च आ गई आए गुरु दे है दिल ते दिमागी उते छा गई ब्यूटीफुल हो जे तू जिंदगी च आ गई मैनू हुण छेड़ दे रहिंदे ने सब कुछ दे ने तेरे बारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू नू मारे नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुल्लारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू नू मारे नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे वो तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना आ बेबी ओ द वन किन्नी सोहनी लगदी सौ है रब दी यू हार देन द सन आ सच्ची मुची हुण तेनू लव करदा दिल वाली गल कहणो दिल डरदा
ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਸੋਣੀਏ ਦੇਖ ਕੱਲਾ ਜੱਟ ਤੇਰਾ ਕਿੰਗ ਵਰਗਾ ਐਵਰੀਬਡੀ ਸਿੰਗ ਵਿਦ ਮੀ ਹਾਏ ਨੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਹਾਏ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਟੇਢੀ ਟੇਢੀ ਤੱਕਣੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਗਈ ਦੇਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਏ ਨੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕਦੇ 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 ਹੁਲਾਰੇ ਹਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਸਮੇ ਆਡੀਅੰਸ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਯਹਾਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਗਾਤਾ ਮੈਂ ਗਜ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਗਾਤਾ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਤਾ ਹੂੰ ਜਿਸਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਅਗਰ ਆਡੀਅੰਸ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਇਟਸ ਓਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਐਸਾ ਬਟ ਆਗੇ ਸੇ ਜਬ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਈਏਗਾ ਤੋ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰਫ ਬਣਾਓ ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਆਡੀਅੰਸ ਕੋ ਤੋ ਦੇਖ ਸਕੇ ਜਿਨਕੇ ਲਈ ਜੋ ਗਾਣਾ ਜਿਨਕੀ ਖਾਤਿਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਤਾ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਖਾਤਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਸੁਣੇਗੇ ਤੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਕ ਗਾਣੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੋਗੇ ਤੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਆਪ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੋਗੇ ਤੋ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸੋ ਜੋ ਮੇਨ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹੈਲੋ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਆਲ ਦਾ ਲਵ ਔਰ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਯਹਾਂ ਬਣਾਓ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਯਹਾਂ ਪੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਆਡੀਅੰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਔਰ ਆਓ ਆਪਕਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਕੋ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੀਆ ਆਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਮਨ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਜ ਗਾਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉੱਨੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗੇ ਨੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨੀ ਲਾ ਦੇ ਬੋਈ ਚੈੱਕ ਫੜੀ ਪੁੱਛੂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗਣੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਬੀਵੀ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗਣੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਏ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਮੰਗਣਾ ਇੱਧਰ ਆਏ ਬੜੀ ਪੁੱਛੂ ਹੈ ਸੋ Everybody jump, come on, yeah, oh. Everybody make some noise. Daman sheher chinn bhai jai bhaiya. Oh, puchda ya guru dasso kudi kitho aiya. Oh, jajra de shor ne bhai jai bhaiya. Puchde ne munde dasso kudi kitho aiya. ਹਾਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ ਹਾਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ ਫਿਰੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਫਿਰੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗਣੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਵੱਖਦੀ ਹਾਏ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ
दिल सूड़ सूड़ करता एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप जंप जंप पुट योर हैंड्स अप ये ये ओ ब्लैक येलो रेड जदों पागिनी तो निकले ओ मुंडिया ने सीने च दिल उदों फिसले ब्लैक येलो रेड जदों पागिनी तो निकले मुंडिया ने दिलों च दिल उदों फिसले ओ कहनो दिल वाली गल कहनो दिल वाली गल कहनो गुरु डरदा ओ दिल वाली गल कहनो गुरु डरदा तेनू सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा ओ सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा बुड्डी तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगनी तू सारियां तो वक्दी हाय लगदी तू सारियां तो वक्दी तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा ओ सूट करदा ओ तेनू सूट ओ तेनू सूट ओ गुड़ नालों इश्क मिठा गुड़ नालों इश्क मिठा और रब्बा लगे ना किसे नूं जावे गुड़ नालों एवरीबॉडी जाओ ये ओ गुड़ नालों इश्क मिठा गुड़ नालों इश्क मिठा और रब्बा लगे ना किसे नूं जावे गुड़ नालों इश्क मिठा ओ गुड़ नालों इश्क मिठा गुड़ नालों इश्क मिठा ब्यूटीफुल हो जे तू जिंदगी च आ गई गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जे तू जिंदगी च आ गई मैनू हुण छेड़दे रही दमन वाले पुछते ने तेरे बारे हाय री हाय चकरा तेरा नी हाई वे तेरे गप्परू नू मारे भी मुंडे पागल हो रे तेरे दिल के रखते हुलारे हाय री हाय चकरा तेरा नी हाई वे तेरे गप्परू नू मारे भी मुंडे पागल हो गए तेरे गिड़ गिड़ रखते 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 हुलारे हाय हो ओए होए होए थैंक यू सो मच नेक्स्ट सॉन्ग तो पहला मैं एक बात बताना चाहता हूं एक बार क्योंकि आज आपके आप मम्मी डैडी भी आपके आए हुए हैं सारे बच्चे भी आप लोगों यहां पे एक बार अपने अपने मॉम डैड के लिए क्लैपिंग कर दो सारे हाथ ऊपर उठा के अभी भरी ये जो कुछ भी चल रहा है ये जितना कुछ भी धरती पे हो रहा है ये हमारे मम्मी डैडी की वजह से है उनकी इज्जत करो उनकी रिस्पेक्ट करो उससे ऊपर कोई भी चीज नहीं है दूसरी दुनिया में अगर उनकी इज्जत करोगे आपके आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा वो भगवान खुश होता है क्योंकि हमारे मॉम डैड में भगवान है एक बार और क्लैपिंग कर दो मम्मी डैडी के लिए जितने भी जाने यहाँ पे अभी बड़ी और अपना ड्रीम पूरा करो टाइम खराब मत करो किसी के पीछे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बाद में बनाना अगले जन्म में जाके इस जन्म में सिर्फ मेहनत करो इस जन्म में अपने मम्मी डैडी की सेवा करो और खुश रहो और अपने अपने देश को और तरक्की की राह में लेके जाओ थैंक यू सो मच आओ अगला गाना गाते हैं और मेरा मन कर रहा है मैं वहां चला जाऊं उनके पास पीछे चला जाऊं मेरा मन ये कर रहा है और इस तरफ भी चला जाऊं एक बार गेड़ा लगा के आऊं मेरा मन कर रहा है यहां से जाता हुआ वहां से सबको देख के यहां पे आके यहां पे जाके फिर स्टेज पे आ जाऊं वहां पे एक बार मैं एक काम करते हैं ऐसे तो मैं आप सबको देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि आप बहुत ही पीछे हो अपने अपने फोन की लाइटें ऑन कर लो सारे जितने भी पीछे तक हो एवरीबॉडी हाँ ऊपर कर लो लाइटें पीछे तक हाँ सारी लाइटें ऑन कर लो यस हाँ आप लोग भी कर लो आपके पास फोन अब सेल्फी सेल्फी कर देता हूँ हाँ करता हूँ सेल्फी पहले गाना गाता हूँ और आओ गाना गाते हैं रीसेंट गाना जिसको आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हो जिसको आप लोग रोज सुन रहे हो तेरे ते तेरे ते तेरे ते अख मेरी खड़ दिया तेरे ते कितने के अपने कैमरे वाला
तेरे ते तेरे ते तेरे ते कोई भी ना तेरे मुकाबले दी नी तू सारियां तो कैम नी मैं दिल लाई फिरदा हां तेरे नाल तेरे कोल कोई भी टैम नहीं मुंडियां नू लारे तू लावे झूठियां कसमां तू खावे करदियां फेक तू प्रोमिस असानू रब ही बचावे तेरे ते तेरे ते तेरे ते अख मेरी फड़दी आ तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते अख मेरी फड़दी आ तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते अख मेरी फड़दी आ तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते अख मेरी फड़दी आ तेरे ते Everybody do like this, come on, everybody move hands, yeah. करदिया वाइब नी कि सानू तेरी तू खावे क्यों तरसना मेरे ते लुटी फिरे दमन तू मिलो नी सारा ना निकलिया कर कली घेरे करदिया वाइब नी कि सानू तेरी तू खावे क्यों तरसना मेरे ते लुटी फिरे जाऊं तू मिलो नी सारा ना निकलिया कर कली घेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते अख मेरी खड़दी आ तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते अख मेरी फड़दी आ तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते अख मेरी फड़दी आ तेरे ते तेरे ते तेरे ते तेरे ते अख मेरी अख मेरी अख मेरी फड़दी आ तेरे ते क्या बात है थैंक यू सो मच और फोटो करा लेने यार रुक जाओ फिर वो सब नाराज हो जाएंगे पीछे वाले आपके साथ फोटो करवा ली तो और पीछे वालों को भी तो लगना कि नहीं हाँ आप पीछे वाले ठीक हो दूसरी भी एक करी शोर में जादो सारे हाथ ऊपर जाके अभी फड़ी पुछू हैंड्स आओ वो गाना गाते हैं जिसको आप लोगों ने रोज ही सुना है और रोज ही इंजॉय करा है और इस आर्टिस्ट की लाइफ बनाई आप लोगों ने गुरु रंधावा जो भी आपके बदौलत है आपके प्यार के कारण है एक बार अपने आप के लिए क्लैपिंग कर दो जितने जाने भी हो यहाँ पे अभी बड़ी हाथ ऊपर उठा के थैंक यू सो मच अभी बड़ी थैंक यू दमन आओ गाना गाते हैं जिस गाने का नाम है लाहौर और मैं चाहता हूँ आप लोग सब मेरे साथ गाओ ताकि हम इस गाने को और अच्छे तरीके से गा सकें आओ कल एक और दे दें चेक ये सारे इकट्ठे गाएंगे वो लगती लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया वो लगती पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया वो लगती लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया कुड़ी दा एक बार पीछे वाले साथ गाएंगे कुड़ी दा पता करो वो लगदी लाहौर दिया ते मैनू दमन दी लगदी ओ हिसाब ना हस दिया वो लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया वो लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया वो लगदी लाहौर दिया ते लगदी पंजाब दिया Everybody put your hands up come on come on come on everybody yeah 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 oh Oh, come on, come on.
ਆਇਆ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਂਗ ਨੇਚਰ ਉਹਦਾ ਅਥਰਾ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਖਰਾ ਆਇਆ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਂਗ ਨੇਚਰ ਉਹਦਾ ਅਥਰਾ ਆਇਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਆ ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਚੈਨ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਆ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਮਨ ਗਾਏਗਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੜੀ ਪੁੱਛੂ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸੋ ਮਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਕਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ ਹਮਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਆਗੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਅਭੀ ਬੜੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਅੱਛਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਭੀ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਮਤ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਰਹੋ ਯਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਈ ਕਮਾਓ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਮੇ ਲਗਾਓ ਅਭੀ ਬੜੀ ਪੁੱਛੋ ਹੈ ਆਓ ਗਾਣਾ ਗਾਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਾਣੀਆਂ ਬਨ ਗਈ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਗਾਓ ਆਓ ਉਸ ਗਾਣੇ ਕੋ ਇਕੱਠੇ ਗਾਤੇ ਹੈ और क्लैपिंग करनी है सबने इकट्ठे कैसे क्लैपिंग करनी है
महबूबा ओ बन जा तू मेरी रानी ओ बन मेरी महबूबा ओ सुन मेरी ओ बन मेरी शाहजहान मैं तेरा तेनू ममताज बना दूंगा ओ बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दू नंबर मैक्सिम नो देवे नहीं ओ रातां उठ उठ के सोचा बारे तेरे दी बदन तेरे दी खुशबू मैनू सौण ना देवे नहीं ओ रातां उठ उठ के सोचा बारे तेरे दी ओ सुन मेरी ओ बन मेरी हां कर दे तू मैनू मैं गुजरात हिला दूंगा ओ बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दू बड़ी जो इकट्ठे गाएंगे अखियां नू रहन दे अखियां नू रहन दे आ जानी आ जा सोनी आ जा मेरे दिल दे कोल अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल अखियां नू रहन दे अखियां दे ओ सुन मेरी रानी रानी ओ बन मेरी रानी रानी इश्क बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी ओ तेरे पीछे दुनिया तारी छट मैं आया नहीं ओ इश्क बुलावा मैनू तेरे आंचा आया नहीं ओ तेरे पीछे दुनिया तारी छट मैं आया नहीं ओ सुन मेरी ओ बन मेरी हां कर दे तू मैनू मैं तेनू दम दिखा दूंगा ओ बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दू एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स अप जंप कम ऑन कम ऑन इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता मैं तेरा बन के आए इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता मैं तेरा बन के आए ओ सैया तेरी हर गल झूठी आ तेरे हाथ विच किस दी अंगूठी आ हर कुड़ी नाल वे तू गल करदा इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता मैं तेरा बन गया ये इशारे तेरे कंगने दे तरीके दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता मैं तेरा बन गया ये एवरीबॉडी मंगला
तेरे कंगने दे करी के दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी कीता पैन तेरा ओ बल्ले 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 एवरीबॉडी से बल्ले 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 एवरीबॉडी बम बल्ले 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 और सिक्योरिटी भाई साहब हेलो ओ भाई साहब सिक्योरिटी ओ मेरे बड़े भाई कोई नहीं क्या करेंगे ये मेरे को प्यार कर आराम से खड़े हो जाओ सिक्योरिटी पीछे कोई नहीं यहाँ खड़े होने दो बड़ी ऊपर खुद भी धक्के खा रहे हो उनको भी धक्के मार रहे हो वो देखने आया देखने दो मैं भी उनके जैसा ही हूँ मेरे को कौन सा हीरे लगे हुए हैं एक जैसे सब कोई नहीं तुम भी आराम ना खड़के शो देखो बड़ी उच्ची स्टेज आ कोई गल नहीं इंजॉय करो ओ अज फिर किथे चली है मोरनी बनके मोरनी बनके सिक्योरिटी कोई बात नहीं भाई ओ हेलो अज फिर किथे चली है मोरनी बनके मोरनी बनके नैणा दे विच लप लप सुरमा नैणा दे विच लप लप सुरमा कैरी झांजर छुणके नी अज फिर किथे अज फिर किथे अज फिर किथे चली है मोरनी बनके मोरनी बनके अज फिर किथे चली है मोरनी बनके मोरनी बनके बल्ले 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 तेरा नहीं हाय नी मुंडे पागल हो गए ने हाय नी हाय नखरा हाय रे टिड गबरू नु मारे नी मुंडे पागल हो गए तेरे गिन गिन लक दे हुलारे वो तेरी टेढ़ी टेढ़ी तकनी कमाल कर गई अखा ना तू अभी बड़ी चौ संभाल कर गई अखा ना तू संभाल कर गई डेली दे कितने मरदे ने दे मारे हाय नी हाय नखरा तेरा ते गबरू नू मारे नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिर गिर लक दे हुलारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू नू मारे नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिर गिर लक दे लक दे हुलारे हाय ओए ओए अच्छा ओ बच्चे को जाने दो भाई पहले बच्चे को जाने फिर फोटो कर पक्का पहले हट जाओ आगे से हट जाओ थैंक यू ये बच्चे को पकड़ो आप थैंक यू तेरे को भी ऊपर आना स्टेज पे नहीं नहीं अभी बच्चे मैं थक जाऊंगा भाई फिर आपको खुद ही दिक्कत होगी बच्चे फिर मैं ले जाता हूं बच्चे घर फिर आपका बच्चा गायब हो जाएगा तो बच्चों को प्यार करा करो यार बच्चों के साथ ही आगे अच्छा इस तरफ वाले एक बार शोर में जा दो आ दूर आगे भाई आओ एक और गाना जिसको आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया इकट्ठे गाते हैं आपको पता है एक आज भी गाना हमारा रिलीज हुआ है कुड़ी दारू वर्गिया विद इमरान हाशमी भाई उनकी फिल्म के लिए मैंने गाना करा अभी चीट इंडिया के लिए वो भी गाते हैं बट उससे पहले जिस गाने पे आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा डांस करा आओ वो गाते हैं वो काला सूट काला दिल वो मुखड़े ते जचदा वो नजर ना लगे तेनू बचा के बिलो रखदा इशारे कर दे
इशारे कर दे कर दे इशारे कर दे ओ कर दे ने दमन वाले खड़के नी मुंडिया दी कमो चढ़ती जवानी तेरा गोरा गोरा रंग नी गोरा गोरा रंग करे वो मुंडिया नू तंग नी वो गोरी वीणी विच नी गोरी वीणी विच काली वांग छड़के वो गोरी वीणी विच काली वांग छड़के नी मित्रा दी जदों निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने जदों निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने जदों निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने एवरीबॉडी काला दिल उखड़े ते जचदा वो नजर ना लगे तेनू बचा के मिलो रखदा काला सूट काला दिल उखड़े ते जचदा वो नजर ना लगे तेनू बचा के मिलो रखदा इशारे कर दे ने गाली वाले बन के नी मित्रा दी ओ टिकले पटोला बन के नी मित्रा दी जान जदों निकले पटोला बन के मित्रा दी जान ते बने जदों निकले पटोला बन के मित्रा दी ओ मित्रा दी गुलाबी आंखें जो तेरी रेखी शराबी ये दिल संभालो मुझको संभलना Everybody at the back next to me, no! Jo teri rekhi, sharabi ye dil. Oh, mat maro dhadke yaar. Oh, bhai. Security bhai, jao. Koi nahi, khade hoke dekhne to kya keh rahe hain? Koi nahi, yahan pe kya kar lenge aage? Wo stage upar hai, koi nahi. Aap log khud hi tension mein aa rahe ho. अच्छा मुझे सिक्योरिटी से याद आया एक बार दमन पुलिस के लिए क्लैपिंग कर दो यार अभी बड़ी याद ऊपर उठा के थैंक यू दमन पुलिस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए और सबको सिक्योर फील करवाने के लिए थैंक यू सो मच ये जो नॉर्मल सिक्योरिटी है कोई नहीं भाई गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा गजरे ने ले ली मेरी जान आए रे मैं तेरे कुर्बान आए रे मैं तेरे कुर्बान ओ दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान आए रे मैं तेरे रश्के कमर तूने पहली नजर मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई फर्क सी गिर गई काम ही कर गई फर्क सी गिर गई काम ही कर गई आज ऐसी लगाई मजा आ गया ओ मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई बरकती गिर गई काम ही
आग है ओ तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा ओ सूट कर ओ तेनू सूट सूट कर ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗਣੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਏ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗਣੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਏ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਉਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਬਾਈ ਜਈ ਬਾਈਆ ਦਮਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਤਬਾਈ ਜਈ ਬਾਈਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸੋ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਹਾਈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ ਹਾਈ ਬੱਚਾ ਫਿਰੇ ਫਿਰੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਫਿਰੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬਣ ਲੱਗਦੀ ਪਟੋਲਾ ਲੱਗਣੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਸਭਕਾ ਗਾਨੋ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਲਾਈਫ ਬਨਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਹਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਟਰ ਨਾ ਸਭ ਕੇ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਹਾਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਭੀ ਬਰੀ ਆਪ ਲੋਕੋ ਕਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਤਾ ਰਹੇ ਸਭ ਆਰਟਿਸਟੋ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਲਾਈਫ ਅੱਛੀ ਚਲਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪ ਸਭ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਯੇ ਕੋਨੇ ਵਾਲੋ ਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਭੀ ਬਰੀ ਹਾਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪ जो आज ही गाना रिलीज हुआ है मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ गाओ अगर आप लोगों ने सुन लिया है नहीं सुना है तो मेरे को सुनो क्योंकि वो मेरा खुद का भी फेवरेट गाना है आज ही रिलीज हुआ है फ्रॉम द फिल्म चीट इंडिया और मैं पहली बार गा रहा हूं दमन में ये हिस्टोरिक गाना हो जाएगा पहली बार मैं दमन में गा के जाऊंगा आज ये वाला गाना कुड़ी दारू वर्गिया वो तेरी चढ़ती जवानी मैनू किल करी जावे ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਵੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਵੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੋਰੀ 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 ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵਰਗੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜਦੀ ਆ ਉਹ ਜਦ ਕੋਈ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਨਾਨਾ ਨਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾਰੂ ਵਰਗੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜਦੀ ਆ ਜਦ ਕੋਈ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਨਾਨਾ ਨਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਚੁੱਪ ਕੁੜੀ ਦਾਰੂ ਵਰਗੀ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜਦੀ ਆ ਉਹ ਜਦ ਕੋਈ ਦਿਲ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਨਾਨਾ ਨਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਭੰਗੜਾ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਗੁਰੂ 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 ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੋਂ ਡਰਦੀ ਆ ਜਦ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਰੁਕ ਜਾ ਭਾਈ ਜਬ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕੁੜੀ ਦਾਰੂ ਵਰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਕਿਆ ਬੋਲਣਾ
ओ कुड़ी दारू वर्गी हा जद कोई दिल मंगदा ओ ना 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 कर दिया बड़ी जो वर्गी हा हौली हौली चढ़ दिया जद कोई दिल मंगदा ओ ना 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 कर दिया ओ कुड़ी दारू वर्गी हा हौली हौली चढ़ दिया जद कोई दिल मंगदा ओ ना 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 कर दिया ओ कुड़ी दारू वर्गी हा हौली हौली चढ़ दिया कोई दिल मंगदा ओ ना 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 कर दिया रवि पड़ी जा एवरीबॉडी वर्ल्ड वाइड हो गए तेरे हुस्न दे चर्चे दमन तो लाहौर मुंडे पागल तू करते ओ दिल्ली तो लाहौर मुंडे पागल तू करते दुबई वाले शेख मिलो तेरे उत्ते मरते गुरु 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 क्यों कहनो डर दिया कुड़ी दारू वर्गिया ओ हौली हम ओ जद कोई दिल मंगदा ओ ना 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 कर दिया ओ कुड़ी दारू वर्गिया ओ हौली हौली चढ़ दिया जद कोई दिल मंगदा ओ ना 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 ओ ना 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 ओ सुन मेरी रानी बन मेरी रानी ओ सुन मेरी रानी ओ बन मेरी रानी शाहजहान मैं तेरा तेनू ममताज बना दूंगा ओ बन जा तू मेरी रानी Everybody jump! Oh, 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 oh. Yeah! गाना जो मैंने इंडिया के लिए करा था बुलियां दा हासा तेरा की कहने तेरे नखरे दे लखां दी बोली लगदी अंदाज तेरे वखरे ते सब चाहुंदे तेनू पाउणा तेनू अपनी बनाउणा ए दिन इंडिया लगदी है ब्रांडेड तेरे कपड़े दे बुलियां दा हासा तेरा की कहने तेरे नखरे दे ए दिन इंडिया लगदी बहुत पर तेरे जे ही कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना गल खास तेरे बिच जेड़ी हुण तक दुनिया ते कदे होई ना गुरु वी नवर है तेरा तू पाते ओनु चकरे ने ये दिन इंडिया लगदी है ब्रांडेड तेरे कपड़े ने लगदी है ब्रांडेड तेरे कपड़े ने ओ थैंक यू सो मच एवरीबॉडी बहुत बहुत शुक्रिया ओ पीछे मेरे भाई दो हाथ ऐसे कर रहे हैं कहां पे हो थैंक यू सो मच आओ अगला गाना गाते हैं फ्रॉम द फिल्म फ्रॉम द मूवी
सोनू के टीटू की स्वीट जंप 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 एवरीबॉडी जंप ओ जीते लंबे लंबे सिल्की जे बाल ओ कुड़ी कौन नचदी ओ कौन नचदी जीदी कमर ते टैटू है कमा ओ कुड़ी कौन नचदी ओ कौन नचदी दिल तेरे उते आया मेरा की कसूर लव तेरे नाल पाया मेरा की कसूर साडे बारे दस तेरा की ख्याल ओ कुड़ी कौन नचदी ओ कौन नचदी जीदे लंबे लंबे सिल्की जे बाल ओ कुड़ी कौन नचदी Everybody move, put your hands up, jump. Ik ik lakh dae hai nakhra hai tera ni, swag sare Gujarat naalo vakhra hai tera ni. Oh, ik ik lakh dae hai nakhra hai tera ni, swag sare duniya to vakhra hai tera ni. ਉਹ ਜੀਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਲੱਬ ਚ ਬਵਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਨੱਚਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੱਚਦੀ ਜੀਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਿਲਕੀ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਨੱਚਦੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਜੰਪ ਐਵਰੀਬਾਡੀ लम्बे लम्बे सिल की देवा ओ कुड़ी ओ कौन नचदी जीदी कमर ते टैटू है कमाल ओ कुड़ी कौन नचदी ओ दमन च नचदी ओ थैंक यू सो मच जो मैंने बात बताई एक आप लोग प्लीज उसके ऊपर गौर करना अपने मम्मी पापा की इज्जत करना सारी जिंदगी मॉम डैड से ऊपर कुछ नहीं है उनकी रिस्पेक्ट करना अपना ड्रीम पूरा करना बच्चों को प्यार करना और बस ऐसी जिंदगी कट जाएगी और मेरे को सुनते रहना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के सारे जाने क्योंकि आपके साथ ही सिंगर हूं मैं आपके बिना जीरो हूं आपका प्यार हमेशा मिलता रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका बहुत बहुत थैंक यू एक बार इस फेस्टिवल इस दमन फेस्टिवल के लिए क्लैपिंग कर दो सारे हाथों पर उठा के थैंक यू सो मच एवरीबॉडी थैंक यू सो मच इस कोने वालों की आवाज आनी चाहिए ये जो कोने में है सब क्या बात है चेक आपका शोर नहीं रुकना चाहिए मैं आ रहा हूं एक मिनट में एवरीबॉडी एक बार दमन पुलिस के लिए भी थैंक यू कर दो यार हाथ ऊपर उठा के क्लैपिंग कर दो दमन पुलिस के लिए एवरीबॉडी आओ जाते जाते एक दो गाने और दमन टूरिज्म का थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस अमेजिंग फेस्टिवल जो आज दमन में हो रहा है और मेरे को आप लोगों से मिलने का मौका मिला इस फेस्टिवल के थ्रू और अगर आप लोगों ने बुलाया मैं अगले साल भी यहीं पे आऊंगा एक फोटो कर ले सारे जाने एक फोटो कर ले कितने गया मेरा मुंडा फोटो वाला वो कितने गया अमन कहां है अमन कहां गया अमन हेलो करता हूं अच्छा इसको स्टेज पे भेज दो बच्चे को भेज दो स्टेज पे अरे 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 यहां से अरे नहीं बच्चे को भेज दो हाँ आप यहीं आओ आज अमन कहां है तो मेरे अमित अमित मेरे फोन से फोटो कर दे आजा इस बच्चे के लिए क्लैपिंग कर दो अरे अभी भरी Thank you.
उसको क्या पता कौन फोटो करवा रहा है, वो बच्चे को क्या पता मेरा नाम क्या है। बड़ा होगा उसको बताना गुरु। ये मेरे दोस्त कहां रह गए भाई, तुम दोनों कहां थे, कहां थे दोनों जाने, ये मेरे भाई हैं यार दमन के दोनों। अरे वाह, एक बार इन दोनों भाइयों के लिए क्लैपिंग कर दो अभी पर, एक बार सबका थैंक यू कर दे। थैंक यू। ये थैंक यू कर रहा, गुस्सा कर रहा है। अच्छे से थैंक यू कर, जितनी जान है उतनी जान लगा के थैंक यू कर, ताकि सारे दमन को सुनाई दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओ हेलो, कहाँ है आपका कैमरा, करो करो फोटो, पर उतने ना चढ़ो बच्चे, आओ जल्दी कर लो फोटो, और फिर एक फोटो करवाते हैं जो मैं। थैंक यू, ये इनको ले जाओ नीचे नीचे नीचे, थैंक यू, पकड़ो। मैं एक फोटो करवाता हूँ हर शो पे जाके, जो मैं अपने मम्मी डैडी को जाके दिखाता हूँ घर पे, कि देखो मुझे कितने लोग देखने के लिए आए, और मैं चाहता हूँ दमन के साथ भी मैं वो फोटो करवा के जाऊँ। एक बार सारे हाथ ऊपर उठा लो, मैं भी हाथ ऊपर उठाता हूँ, आओ फोटो करवाते, आ जाओ। हाथ ऊपर उठा के अभी भरी पीछे तक, कोने से कर ले, आओ जाते जाते आपका फेवरेट गाना। और उससे पहले दमन टूरिज्म का बहुत थैंक यू, आप लोग अपने शहर को और सुंदर बनाओ, ताकि और यहाँ पे लोग आए आपके शहर को देखने के लिए, आपके शहर की और तरक्की हो, और भगवान आप सबको खुश रखे, आपके माँ बाप को खुश रखे, आपके बुजुर्गों को खुश रखे। एक बार और फोटो करवा लो इस तरफ से, अभी बड़ी हाथ ऊपर उठा के, और वो साइड के भी ले ले एक बार, वहां से भी, वो भी अपने बंदे हैं, वो बंदू वहां पे भी अपने लोग हैं सारे। वो लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया, वो लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया कुड़ी दा, कुड़ी दा पता करो गुरुवार, कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया, वो लगदी लाहौर दिया तो मैनू मुंबई दी लगदी। एवरीबॉडी करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया, वो लगदी लाहौर दिया वो लगदी पंजाब दिया। एवरीबॉडी जा बह गई वो बुलियां ते चुप हो दी सब कुछ कह गई कमो, जैन मेरा ले गई वो दिल बिच बह गई वो बुलियां ते चुप हो दी सब कुछ कह गई, अखियां ना गोली मार दिया अंदरों प्यार भी कर दिया, अखियां ना गोली मार दिया
अंदरों प्यार भी कर दिया कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया वो लगदी लाहौर दिया ते मैनू गुजरात दी लगदी एवरीबॉडी जान थैंक यू सो मच स्टाइल ओदा वखराया बॉम्बे दी गर्मी वांग नेचर ओदा अथराया लंदन तो आई लगदी आ जिस हिसाब ना चलदी आ लंदन तो आई लगदी आ जिस हिसाब ना चलदी आ कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दी आ केड़े शहर दी आ वो लगदी लाहौर दी आ तो मैनू इंडिया दी लगदी आ एवरीबॉडी जंप थैंक यू सो मच jump thank you so much everybody else see you soon क्या बात माइक जरा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए यार मतलब इस वक्त स्टेज पे मेरा आना आप चाहते हो एक बार फिर से वो आ जाए मैं सिर्फ बात कर रहा हूं बट थैंक यू सो मच मैं तो ये एंड करने आया हूं यहां पर तो मतलब मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना ज्यादा यहां पर और कोई उम्मीद नहीं है चलिए तो आई होप कि आप सबको मजा आया फिर से एक बार दमन लिबरेशन डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सो मच आपने बड़े सारे गानों पे डांस किया बड़े सारे गाने भी साथ में गाए और हमारे सारे पूरे प्रशासन को इतना अच्छा दमनोत्सव ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप ऐसे ही हमें बुलाते रहे हम ऐसे ही आते रहेंगे तो ये तीनों दिनों का आपके साथ मेरा साथ बहुत ऑसम रहा आप मेरे साथ संपर्क में आ सकते हैं यू गाइस कैन टच गेट इन टच विथ मी अगर आपको मेरे परफॉर्मेंसेस अच्छे लगे आपको मजा आया तो सोशल मीडिया का जमाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मिल सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पर बड़े ही सिंपल सा एड्रेस है आरजे राहिल आरजे आर ए एच आई एल तो आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं अदरवाइज थैंक यू सो मच यू गाइस हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस पीछे वालों स्पेशली यू ऑल आर अमेजिंग थैंक यू बिना कोई आगे आके फोटो खिंचाने की लालच के आप पीछे जो एंजॉय कर रहे थे पीछे एंजॉय करने वाले आर द रियल अमेजिंग पीपल आउट देयर थैंक यू फॉर बीइंग सच एन ऑसम ऑडियंस आप ऐसे ही हमें बुलाते रहे हम ऐसे ही आते रहेंगे और आप सबके लिए आपकी खुशियों में थोड़ी सी और मुस्कुराहट बढ़ाते रहेंगे तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन यू गाइस हैव बीन अमेजिंग फिर से एक बार सोशल मीडिया पे मेरा एड्रेस है आर जे आर ए एच आई एल तो अगर आपने वीडियोस खींचे हैं आज की शाम के फोटोज क्लिक किए हम तक जरूर पहुंचाइएगा वी वुड लव टू हैव इट थैंक यू एवरीवन गुड नाइट टेक केयर फिर से एक बार टू एवरीवन इन दमन वी लव दमन थैंक यू एवरीवन थैंक यू ये पहला लड़का है जो मुझसे सेल्फी क्लिक करवाना चाहता है क्या चॉइस है तेरी थैंक यू इसे कहते हैं कि लंदन जाने नहीं मिला तो लुधियाना की टिकट कटवा लेते हैं यहां पर आओ आओ यार
पगलो तस्वीर में आवाज नहीं आती. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू. अच्छा रुक जाओ यार, इतना प्यार मत दिखाओ. आई लेट मी क्लिक इट ऑन माई इंस्टाग्राम फॉर यू गाइस. चलिए तो ये सिर्फ आपके लिए है स्पेशली. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. इंस्टाग्राम पर नाम है आर जे आर ए एच आई एल, सिंपल. आप ऊपर कहां से आ गए? ये अच्छा है यार, मेरे सिक्योरिटी बाउंसर सारे उसके साथ चले गए, मैं यहां पे. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर. मेरे फैन, मैंने कोई गाना नहीं गाया सर. ओके हाय 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 हाय. चलो चलो किसका है? थैंक यू एवरी वन, गुड नाइट, टेक केयर, आपका दिन शुभ रहे. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you so much for so much love. Thank you everyone.